हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके लिए क्या चेतावनी है, किन किन चीज़ों के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है, अटेंटिव किया जा रहा है, क्या आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे, किन किन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर भी रहना चाहिए। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर कि आपके लिए क्या चेतावनी है। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे यह तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या चेतावनी है, किन किन चीजों से आपको अवेयर रहना है और प्रिपेयर रहना है। आई कैन सी स्वॉर्ड्स। ओके, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। वी हैव टू शफल अगेन। दोबारा शफल करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, किंग और क्वीन तो आ ही चुके हैं। नाइस नाइस। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर स्वॉर्ड्स काफी हैं और पर नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, स्टिल मैं कहूंगी स्वॉर्ड्स काफी हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बैटल तो है, क्योंकि बैटल में स्वॉर्ड्स का यूज तो होगा ही, लेकिन वो बैटल आप जीत रहे हैं, तो इतना भी डरने की बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर और अवेयर रहना है, जो बताती हूँ मैं अभी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ऑनेस्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए यहाँ वहाँ बातों को घुमा रहे हैं, फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, स्टॉप दिस। क्योंकि इसमें बुरी तरह फंसने वाले हैं आप। अगर आप ऐसे ऑनेस्टी ख़त्म करके और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी बातों में, आपकी कार्यों में, और एक तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप झूठ बोल के या फिर चीज़ों को ट्विस्ट करके कुछ भी कर रहे हैं, चाहे फैमिली से क्यों ना झूठ बोल रहे हो, चाहे दोस्तों से क्यों ना बोल रहे हो, या कोई और बात आप मैनिपुलेट क्यों ना कर रहे हो, आप उसे रोक दीजिए, क्योंकि उसमें आप बुरी तरह फंसेंगे। और ऐसे फंसेंगे तब आपको अपना झूठ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माफियाँ भी मांगनी पड़ेंगी। ऐसी परिस्थिति ना आए जहाँ पर आप स्टक हो जाओ। इसीलिए आपको पहले से बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलिए, जितना हो सकता है सच बोलिए। अगर सच नहीं बोल सकते तो बात करना अवॉइड कीजिए, कम बात कीजिए, ठीक है। तो झूठ भी कम बोलना पड़ेगा, तो कम बोलिए, लेकिन झूठ ज़्यादा मत बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रहिए अपने काम में, अपने लव लाइफ में, अपने इमोशंस में, फैमिली में, वेर एवर यू आर। किसी भी चीज़ की बात हो रही हो, चाहे आपकी लाइफ के बारे में, आप वहाँ पर ऑनेस्ट रहिए। सेकेंड, यहाँ पर व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते की, जिन लोगों की आपको केयर करनी चाहिए, जिनको इनफ टाइम देना चाहिए, इनफ अटेंशन और लव देना चाहिए, वो दीजिए। समय तो बीतता जा रहा है, ऐसा हो सकता है कल को लोगों की शिकायतें हों कि जैसे फैमिली वाले कहते हैं कि आप हमारे साथ तो वक्त बिताते ही नहीं हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि सच में कोई ऐसा बहुत है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फिर चाहे वो आपका पेट क्यों ना हो। तो आप जो हैं, वो आपने, आपको जो रिश्ते मिले हैं, आप उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं समय पर। ओके, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उन रिश्तों को प्यार से नर्चर करना चाहिए जो आपके लिए अवेलेबल हैं, आपके लिए प्रीशियस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं। उनको आप केयर कीजिए, उनको लव अफेक्शन शो कीजिए,
अच्छे जेस्चर, स्वीट जेस्चर्स करने की कोशिश कीजिए, टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी ये रह सकता है कि अरे मुझे टाइम कम मिलता है फैमिली के साथ या परिवार वालों के साथ तो वो मुझसे गुस्सा हो गए हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपके क्लोज्ड और डियर और डियर वंस और लव्ड वंस को लगने लगेगा कि शायद आपके पास टाइम ही नहीं है उन लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप बैलेंस कीजिए लव लाइफ को भी और बाकी जो आपके लाइफ में रिश्ते हैं उनको भी। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स के लोग ना आपको फंसाने की कोशिश करेंगे चीज़ों में। कोई आपको ब्लेम भी कर सकता है किसी ऐसे कार्य के लिए जो आपने नहीं किया है, कोई ऐसी गलती के लिए जो आपने नहीं की है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको ब्लेम करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगा देंगे किसी बात का, और वहाँ पर आप एक टफ फाइट देंगे क्योंकि आपको पता होगा कि सही क्या है सच क्या है। तो वहाँ पर आप एक टफ फाइट देंगे और ऐसा लग रहा है कि आप जीत जाएंगे। यस, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, वो लव लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, या कहीं किसी और तरह से भी आपको एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सच में नई शुरुआत हो रही है। यस, किसी नए सफ़र की शुरुआत, किसी नई जर्नी की शुरुआत, जहाँ पर आप काफ़ी खुशी से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो एक न्यू बिगिनिंग तो हो रही है और लोग आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ थोड़ा आप अच्छे से हैंडल करना सिचुएशन को, तो आप विन कर लोगे और जो आपकी नई शुरुआत होगी उस तरफ आप मूव भी कर जाओगे। तो डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले कुछ इश्यूज़ बनेंगे। ओके, जब एक न्यू बिगिनिंग करनी होती है कुछ चीज़ें समाप्त करनी पड़ती हैं तभी एक नई शुरुआत होती है, और उस नई शुरुआत से पहले जो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है या लोगों की वजह से अगर इश्यूज़ आते हैं तो उनको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं अगर आप पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ और बहुत सेंसिबिलिटी के साथ एक्ट करेंगे तो ईजिली हैंडल कर पाएंगे और अपने लाइफ के न्यू चैप्टर की तरफ बहुत ही हैप्पीली निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स के जैसे कोई इंसान है जो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, करती हैं, और हो सकता है कि किसी की तरफ से आपको प्रपोजल मिल सकता है। प्रपोजल मिल सकता है या किसी की तरफ से आपको कोई लव कन्फेशन मिल सकता है या कोई आपसे अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है आपके लिए। तो ये है कि यहाँ पर कोई है जो जेन्युइनली आपसे प्यार करता है या करती हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपसे आके शेयर करेंगे या करेंगी, इसके चांसेस हैं। हो सकता है शायद फ्लर्ट करना ही स्टार्ट कर दें आपसे, ये भी हो सकता है। तो किसी भी वे में ये जो पर्सन है ये आ सकते हैं, आ सकती हैं आपकी तरफ और कुछ ऐसे रोमांटिक जेस्चर्स कर सकते हैं, कर सकती हैं, या कुछ ऐसे एक्ट कर सकते हैं कि जैसे वो आपको पसंद करते हैं, और हो सकता है कुछ केसेस में कि वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर दें। ओके, ये पॉसिबल है। आइए और देखते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कोई ऐसा जो बहुत प्योर हार्ट का है आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जो सच में आपके लिए बहुत प्योरिटी से फील करता है, जिसके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए, जो सच में आपके लिए सीरियस है, जिसकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए जेन्युइन है, और वो इंसान दिल से बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो इंसान कुछ प्लानिंग करके, वो फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, पर ये कोई प्लानिंग करके या बहुत ज़्यादा कुछ आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ट्रिक सोच के नहीं आपके पास आ रहे हैं, ये सिर्फ बहुत इनोसेंटली ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं। और इनका जो नेचर है वो भी ऐसा है कि जैसे बहुत इनोसेंट कोई बच्चा होता है, जैसे बहुत मासूम होते हैं कुछ लोग, वैसा ही इनका नेचर है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र ऐसा मिलने वाला है, अगर आप उसे रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या ऐसे पर्सन की फ्रेंडशिप या दोस्ती कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये इंसान जेन्युइनली और सच में आपको चाहता या चाहती होंगी। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे
कोई आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, देखिए ये दूसरे पर्सन के लिए बात है, यानी कि कोई आपकी तरफ आ रहा है ये बात तो है, लेकिन कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको दूर किया जा रहा है, किसी से दूर किया जा रहा है। ओके, आपको कोई पसंद है या कोई काम पसंद है या किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ से दूर रखा जा रहा है या दूर किया जा रहा है, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन इस बात का ट्रस्ट कीजिएगा कि वो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपको किसी चीज़ से, ऐसी चीज़ से दूर रखा जा रहा है या दूर किया जा रहा है और आपको एक आउटसाइडर जैसा फील करवाया जा रहा है, या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आपको एक एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। यानी कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इंक्लूड ही नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर अपने आप को ज़बरदस्ती वहाँ पर अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती होना भी नहीं चाहिए, तो वहाँ से जाना ही अच्छा समझिए। जहाँ पर आपको कोई वेलकम नहीं कर रहा है, जहाँ पर आपकी प्रेजेंस को कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, जस्ट गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। व्हाई आर यू देयर, क्यों हैं आखिर वहाँ आप? तो अगर कोई अपने अपने लाइफ में आपको एंट्री नहीं देता है, या कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, या कोई बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, और उसके बाद आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करता है, तो आप जाने ही दीजिए ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान के पीछे मत भागिए जो लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं, उनकी वैल्यू कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उनको भी वैल्यू ना कर पाएं और सच में बहुत देर हो जाए। तो अपने जो रिश्ते आपके सच में वैल्यूएबल हैं और आपके आपको केयर करते हैं, आपको प्यार करते हैं, उनकी सच में केयर कीजिए, ठीक है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जब आउटसाइडर की तरह फील करेंगे तो आपको काफ़ी डिसरिस्पेक्टेड फील हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ मन का भ्रम है, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको दूर ही जाना था, वही डेस्टाइंड था और वही आपके लिए अच्छा भी था। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे आपकी ये जो नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगिनिंग जो होने वाली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी जो अब तक नहीं हो पाई थी। जो आप सोचते थे ये हो नहीं रहा, ये हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, अब क्या हो पाएगा, या मैं नहीं सोचता कि मुझे कभी ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ऐसा लगता है कि अब ये लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये नए चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है, इस नए चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी। ऐसी बहुत सारी आपकी विशेज हैं जो फुलफ़िल हो जाएंगी, ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी हो जाएंगी, तो बहुत कुछ पॉसिबल होने वाला है जिसकी वजह से आप खुश भी बहुत होगे। लेकिन जब तक ये लास्ट चैप्टर, यानी कि आपका ये जो चैप्टर एक क्लोज करके आओगे, आप ये पिछला चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर ये जो ख़त्म करके आओगे, उसमें थोड़ी अनस्टेबिलिटी है कि कोई आपको निग्लेक्ट कर रहा है, आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहा है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई आपको फंसा रहा है क्योंकि आपने कुछ झूठ बोला था, तो वहाँ पर आपको बच के रहना है। जो अगली शुरुआत हो रही है वहाँ पर काफ़ी खुशियाँ हैं, कोई इंसान आपकी तरफ अपना प्यार लेकर भी आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं या होने वाली हैं जो आप दिल से चाहते थे, और बहुत सारी ऐसे भी सरप्राइजेज और ब्लेसिंग्स जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, और पीछे जो आपकी लाइफ में जो प्रीवियस चैप्टर में जो ड्रामा चल रहा है उसे जल्दी जल्दी निपटा लीजिए, उसमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं यहाँ पे, क्या मैसेजेस हैं, जस्ट अ सेकंड। यस, तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको येस और नो में मिल सकता है, या येस और नो में चाहिए था, तो यहाँ पर मैसेज आया है आपके लिए येस। ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपके मन में था उसके लिए उत्तर आ चुका है, एंड द आंसर इज येस, देर इज समथिंग बेटर। ऑफकोर्स अगर आप सोच रहे हैं कि ये अगला चैप्टर होगा मेरी लाइफ का, अब ये कैसा होगा, तो व्यूअर्स वहाँ पर आपके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ अभी है जो अभी आप जानते नहीं हैं, और यहाँ मैसेज भी आया है देर इज समथिंग बेटर। तो जो हो रहा है उसमें सच में आपके लिए कुछ अच्छा ही है। ओके, आई नीड वन कार्ड। नो, नहीं मिल रहा है कार्ड, तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट ये रीडिंग आपको हेल्प करती है, गाइड करती है, कितने परसेंट रिलेटेबल है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूवर्स,
सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.